चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है इंस्टेंट लोन ऐप। चलिए देखते हैं कि ये ऐप चर्चा में क्यों बने हुए हैं। तेलंगाना में पिछले दिनों इंस्टेंट लोन ऐप से लोन देने वाली कंपनियों के खिलाफ लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक अकेले हैदराबाद पुलिस इस तरह के 27 मामले दर्ज कर चुकी है। अलग अलग इलाकों में करीब 100 केस सामने आ चुके हैं। इस सिलसिले में 3 चीनी मूल के लोगों समेत करीब 30 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मामला सामने आने के बाद हैदराबाद, साइबराबाद और रचकोंडा के पुलिस कमिश्नर ने गूगल से संपर्क करके इस तरह के करीब 200 ऐप को ब्लॉक करने को कहा है। हाल ही में इससे संबंधित कई मामले सामने आए हैं, जिनमें लोन का भुगतान ना कर पाने की स्थिति में दबाव और शर्मिंदगी के कारण लोगों ने आत्महत्या कर ली। चलिए अब देखते हैं इंस्टेंट लोन क्या होते हैं। इंस्टेंट लोन उस प्रकार के ऋण होते हैं जिसके लिए बहुत अधिक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी परिसंपत्ति के प्रदर्शन के बिना वास्तव में इस तरह के लोन अनुमोदित होते हैं। पारंपरिक बैंक ऋणों की तुलना में यह प्रक्रिया न्यूनतम और सुविधाजनक है। इंस्टेंट लोन को व्यक्तिगत लोन या त्वरित ऋण भी कहा जाता है। किसी भी बैंक में जाने या लंबे फॉर्म भरे बिना व्यक्तिगत ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह उधारदाताओं के साथ साथ उधारकर्ता के समय की बचत करता है। इस तरह के लोन की विशेषताएं क्या होती हैं? आमतौर पर ये ऋण अल्पकालीन होते हैं, अर्थात 62 दिनों से लेकर 1 वर्ष तक की इनकी समय सीमा होती है। इसमें ऋण राशि 9,000 रुपए से लेकर 3,00,000 तक हो सकती है। बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की तुलना में इसकी प्रक्रिया तेज होती है। इंस्टेंट लोन ऑनलाइन आवेदन के एक ही दिन में स्वीकृत हो सकते हैं। आप अपने घर या अपने कार्यालय में बैठे ऐसे ऋणों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इंस्टेंट लोन ऐप क्या है। इस तरह के ऐप में अनधिकृत उधारदाताओं द्वारा ब्याज दरों पर मोबाइल ऐप के माध्यम से उधार देने की पेशकश की जाती है। इस तरह के इंस्टेंट लोन का ऑफर कई तरह के ऐप कर सकते हैं। इनमें कैश मामा, धन धनादन लोन, कैश अप, लोन जोन, कैश बस, मेरा लोन, हे फिश, मंकी कैश, कैश एलिफेंट, वाटर एलिफेंट जैसे ऐप शामिल हैं। ये ऐप काम कैसे करता है? ऐप को आसानी से गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स, आधार कार्ड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी ऐप पर अपलोड करनी होती है। इस चंद मिनट के प्रोसेस के बाद आपको 1,000 से 50,000 तक का लोन मिल सकता है। ये लोन 7 दिन से कुछ महीनों तक के लिए होता है। ये ऐप जो लोन देते हैं उस पर 35% तक ब्याज लेते हैं। इसमें से ज्यादातर का किसी भी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई संबंध नहीं होता है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही फॉर्मेलिटीज पूरा करते हैं आपके अकाउंट में लोन का पैसा आ जाता है। लोन लेने वाले को अपना और अपने परिवार का फोन नंबर ऐप कंपनी से शेयर करना होता है। ये ऐप्स लोन देने से पहले आपकी इनकम का कोई भी प्रूफ नहीं मांगते हैं, आपका सिबिल स्कोर भी नहीं चेक करते हैं। सिबिल स्कोर वो स्कोर होता है जिससे लोन देने वाली कंपनियां आपकी लोन चुका पाने की कैपेबिलिटी देखती है। इससे पता चलता है कि आपने कहीं अपने पिछले लोन चुकाने में कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है। कुछ ऐप आपकी इनकम प्रूफ और सिबिल स्कोर देखते हैं, लेकिन ऐसे ऐप गिने चुने ही हैं। आइए अब देखते हैं कि इस तरह की ऐप के माध्यम से लोन लेने के बाद व्यक्ति कैसे ऋण जाल में फंस जाता है। इस लोन पर हाई इंटरेस्ट रेट के साथ कई तरह की फीस लगती है। जैसे अगर कोई 5,000 का लोन लेता है तो ऐप कंपनी 1,180 रुपए तो सिर्फ प्रोसेसिंग फीस और GST के नाम से ही ले लेती है। यानी लोन आपने 5,000 का लिया है लेकिन आपको सिर्फ
3,820 रुपए ही मिलेंगे। एक ऐप से लोन लेने के साथ ऐसे ही 20-30 और ऐप से आपके पास फोन आने शुरू हो जाते हैं। ये लोग कस्टमर को और लोन लेने के ऑफर करते हैं। कई लोग इस ऐप से और लोन ले लेते हैं। इन ऐप्स के लिए लोन पर 35% तक का इंटरेस्ट रेट लगता है। ड्यू डेट पर किश्त नहीं चुकाने पर अगले दिन से फ्लैट 3,000 रुपए तक की पेनल्टी हर रोज लगती है। कई लोग पहला उधार चुकाने के लिए दूसरे ऐप और दूसरा उधार चुकाने के लिए तीसरे ऐप से लोन लेते हैं और इसी के साथ इन लोन ऐप के जाल में फंसते चले जाते हैं। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आरबीआई द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? जून 2020 में इन ऐप्स को लेकर आरबीआई ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि कई ऐप ऐसे हैं जो इस बात की जानकारी नहीं दे रहे हैं कि वो किस बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं। आरबीआई ने भी इन ऐप के लिए कोई रेगुलेशंस नहीं बनाए हैं। सिर्फ आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक और राज्यों के कानूनों के हिसाब से काम करने वाले एनबीएफसी ही लोन दे सकते हैं। इसी वजह से लोन देने वाले मोबाइल ऐप से लोन लेने से पहले उनका बैकग्राउंड जरूर वेरीफाई करें। चलिए अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, इंस्टेंट लोन ऐप से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इस तरह की ऐप से अनधिकृत उधारदाताओं द्वारा ब्याज दरों पर मोबाइल ऐप के माध्यम से उधार देने की पेशकश की जाती है। कथन दो, ये ऐप्स आरबीआई के दिशा निर्देशों पर काम करते हैं। उपरोक्त में से सत्य कथन है, विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। आपके जवाब का इंतजार कमेंट सेक्शन में रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon to never miss an update.